दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इंडियन नेवी के 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर में इस मौत की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और 12 फरवरी को इन 8 में से 7 अफसर आजाद होकर भारत भी आ गए। भारत माता की मतलब सिर्फ 100 दिन के अंदर मौत की सजा पाए इंडियन ऑफिसर्स फ्री होकर अपने घर लौट आए। इस इकलौते फैसले को इंडियन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। It's been a diplomatic victory for India. Well, it's about a huge diplomatic victory for India. में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत सरकार उस कतर के चंगुल से 8 भारतीयों को बचाकर ले आई है जिस कतर के मंत्रियों ने नूपुर शर्मा के मामले पर सबसे ज्यादा जहर उगला था। वो कतर जिसका अल जजीरा चैनल भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाता है। वो कतर जिसने अपने यहाँ हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक जैसे भारत के भगोड़े को स्पीकर के तौर पर मौका दिया था। अब ऐसे देश से अगर भारत सरकार मौत की सजा पाए अपने अफसरों को बचाकर वापस ले आई है तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं। एक अरब देश में जासूसी के शक में मौत की सजा पाए 8 गैर मुसलमानों को सही सलामत वापस ले आना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये मामला अपने आप में इस बात की गवाही है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई। तो ऐसा क्या किया है मोदी सरकार ने? रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद अमरीकी राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। ऐसा क्या जादू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि फिलिस्तीन सरकार भी नरेंद्र मोदी को अपना राष्ट्रीय सम्मान देती है और इसराइल भी भारत को अपना सबसे तगड़ा दोस्त मानता है? तो आज के कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में हम इसी बदले हुए भारत की बात करेंगे। एक ऐसे भारत की जो एक तरफ सबका दोस्त भी है लेकिन दूसरी तरफ वो खुद से पंगा लेने वालों को सबक सिखाना भी जानता है। तो आइए आज हम उसी बदले हुए भारत की बदली हुई फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। बाकी हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर फॉलो करिएगा। ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। ऑफिस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, ये बात है अगस्त 2020 की। कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करने वाले इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारी इतनी गुपचुप होती है कि एक महीने तक कतर में मौजूद भारतीय दूतावास को ही इसकी खबर नहीं लगती। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के रिपोर्ट करने पर पहली बार यह खबर छपती है कि कतर सरकार ने एक सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के मामले में 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार हुए नेवी के इन 8 पूर्व ऑफिसर्स को काउंसलर एक्सेस दिया जाता है। इस बीच गिरफ्तार हुए इन फॉर्मर ऑफिसर्स के घर वाले सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला उठाने लगते हैं। भारत सरकार भी इन लोगों की मदद के लिए कतर की लॉ फर्म को हायर करती है। नवंबर 2022 को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। कतर की सरकार की तरफ से आज तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि उसने इन 8 भारतीय फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को क्यों अरेस्ट किया। मगर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को सच माने तो कतर गवर्नमेंट ने इटली की एक कंपनी को अपने लिए सबमरीन बनाने का ठेका दिया था। ये एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी ऑफिशियली किसी को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर सरकार को इस बात के सबूत मिले कि ये भारतीय नौसैनिक सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मेटा मटेरियल यूज होता है उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसराइल को लीक कर रहे थे। हालांकि कतर सरकार ने खुद आज तक इस बात को कबूल नहीं किया है कि उसने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया। मगर जैसे ही इस सो कॉल्ड लीक की खबर आई इन 8 भारतीय ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा अल दाहरा कंपनी में काम करने वाले 70 और भारतीयों को फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद इसी कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया मगर बाद में वो रिहा हो गए। इसी के बाद भारत में सरकार पर ये प्रेशर बढ़ने लगा कि जब ओमान अपने आदमी को इतनी जल्दी छुड़वा सकता है तो हम क्यों नहीं। इस बीच कतर की लोअर कोर्ट में इन लोगों पर मामला चलता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट की ये सुनवाई भी इतने सीक्रेट तरीके से होती थी कि उसमें बाहर के एक भी आदमी को शामिल होने नहीं दिया जाता था। जून 2023 तक मामले की दूसरी सुनवाई भी पूरी हो गई और अक्टूबर 2023 को इन 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। खबर सामने आते ही देश भर में भूचाल आ गया मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस बीच कतर सरकार को लेकर कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया। विदेश मंत्री ने हमेशा कहा कि हम उन लोगों की रिहाई के लिए लीगल और डिप्लोमेटिक सारे रास्ते तलाश रहे हैं। आई अश्योर यू दैट दे आर वेरी मच
वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली इन आवर प्रायोरिटीज। इसी बीच आता है एक बड़ा मोड़, 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से दुबई में मुलाकात होती है। इसके बाद 3 दिसंबर को भारतीय एम्बेसडर विपुल को गिरफ्तार लोगों तक काउंसलर एक्सेस मिलती है। 7 तारीख को फिर से मामले की सुनवाई होती है। 28 दिसंबर को इन लोगों की मौत की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके सिर्फ 45 दिन बाद ये सब लोग कतर से आजाद होकर भारत आ जाते हैं। Well, it's about a huge diplomatic victory for India. The 8 former Indian Navy personnel detained in Qatar have been released by Qatar court. और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय। जैसे ही ये खबर सामने आई पूरा देश शॉक्ड हो गया। सिर्फ 100 दिन पहले जासूसी जैसे सीरियस मामले में मौत की सजा पाए 8 ऑफिसर्स की न सिर्फ सजा माफ हो गई बल्कि वो रिहा होकर भारत भी वापस आ गए। यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग जैसे ही भारत आए तो मुझे सुषमा स्वराज जी का वो ट्वीट याद आ गया कि आप लोग चाहे कहीं भी फंसे हों, हम आपको ढूंढ लाएंगे। अगर आप मोदी सरकार के पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो ऐसे 5 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन याद आते हैं जब सरकार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीयों को सही सलामत वापस ले आई थी। 2 साल पहले अचानक शुरू हुई रूस और यूक्रेन वॉर के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर 22,500 भारतीयों को वहां से बाहर निकाला था। इसी तरह 2023 में सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाकर सरकार ने 3800 लोगों को सही सलामत भारत वापस ले आई। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां से 1200 लोगों को सकुशल बाहर निकाला था। इन लोगों में 200 से ऊपर अफगान हिंदू और सिख भी शामिल। थोड़ा पीछे जाएं तो 2015 में जब यमन में सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी थी तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाकर यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था और फरवरी 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से भारत वापसी को कौन भूल सकता है। जब भारत सरकार के खौफ से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को बिना कुछ कहे सुरक्षित ही भारत वापस भेज दिया था। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब पाकिस्तानी संसद में कहा था कि जैसे ही उन्हें अभिनंदन के पाकिस्तान में आ जाने की खबर मिली तो वो घबरा गए थे। उन्हें इस बात का डर लगने लगा था कि पता नहीं अब मोदी सरकार उस पर कहर न बरपा दे। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जी हाँ दोस्तों, यही होता है परसेप्शन। मोदी सरकार का खौफ था तो पाकिस्तान ने बिना मांगे डर के मारे अभिनंदन को हमें सौंप दिया। और एक वो वक्त भी था जब दिल्ली के बाजारों से लेकर देश भर के मंदिरों, मुंबई के लोकल ट्रेनों से लेकर ताज होटल पर हमले होते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि खुद पाकिस्तानी सरकार और आर्मी को पता था कि इन हमलों के जवाब में भारत सरकार कोई सख्त कदम या युद्ध जैसा कदम तो नहीं उठाएगी। लेकिन उरी में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस परसेप्शन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गलवान में भी चीन ने भले ही हम पर घात लगाकर हमला किया मगर जिस तरह बदले की कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने भी चीन के दर्जनों फौजी मार दिए उससे उसे भी पता लग गया कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेगा। पिछले कुछ सालों के ढुलमुल रवैये के उलट मोदी सरकार पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब रही है कि हमें ये बताने की कोशिश मत करो कि हमारा फायदा किसमें है। अगर हमें अपने लोगों की जरूरत के लिए रूस से सस्ता तेल लेना होगा तो हम लेंगे, अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम के लिए इजराइल के खिलाफ भी वोटिंग करनी होगी तो हम करेंगे, मगर हमें इजराइल से मिलिट्री पार्टनरशिप करनी होगी तो हम वो भी करेंगे। हम आगे बढ़कर कोरोना काल में 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन भी बांटेंगे और अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य भी बनवाएंगे। हम छोटे देशों को बड़ा भाई बनकर भी दिखाएंगे मगर मालदीव जैसा कोई देश अगर गुंडा बनने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी औकात भी बताएंगे। मोदी सरकार की इसी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली पॉलिसी का ही कमाल है कि पिछले 10 सालों में दुनिया भर के 13 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि विपक्षी भले ही पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताएं मगर मोदी सरकार के टाइम में भारत सरकार के सबसे अच्छे रिश्ते अरब देशों से ही हुए हैं। बहरेन से लेकर सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन तक हर देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। दोस्तों मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ या जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो बहुत सारे ताकतवर देशों ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, खासकर रशिया और यूक्रेन युद्ध के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस लड़ाई में बहुत सारे यूरोपीय देश और अमरीका यूक्रेन का साथ दे रहे थे।
तो युद्ध बढ़ने पर जब अपने ही लोगों को वहां से निकालने की बारी आई तो कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए। मगर चाहे अफगानिस्तान हो या यूक्रेन, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों का कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसे मौकों पर स्पेशल ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ हम अपने नागरिकों को बचाकर लाए, बल्कि इन मौकों पर हम दूसरे देशों के लोगों को भी वहां से सेफ निकाल कर लाए, और यही एक मजबूत गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। हम सब 71 की जंग को तो जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उस जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को बंधक बना लिया था। मगर एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि 71 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंधक बनाने के बावजूद हम पाकिस्तान के कब्जे से अपने 54 फौजी नहीं छोड़ा पाए। जी हाँ, इस युद्ध के बाद हमने पाकिस्तान के 93,000 फौजी छोड़े, बदले में पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे से हमारे कुछ फौजियों को छोड़ा, लेकिन इन सब के बीच 54 फौजी ऐसे थे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि युद्ध के टाइम वो भी पाक सेना के कब्जे में चले गए थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कभी उनका पाकिस्तान में होना कबूल ही नहीं किया। इन 54 लोगों के परिवार वाले आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिली। यह सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंधक थे और हमने बिना अपने एक एक आदमी का हिसाब किए उनके सारे फौजी छोड़ दिए, और तो और उसके बाद के सालों में भी उन्हें वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 से 1998 के बीच पाकिस्तान की जेलों से छूटकर आए भारतीय कैदियों ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में उस वक्त के कई फौजी तब भी बंद थे, मगर उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका। गायब होने वाले इन 54 फौजियों में से एक एयरफोर्स के पायलट एचएस गिल की कहानी सुनिए, जिनके बारे में माना जाता है कि सिंध इलाके के पास उनके विमान को मार गिराया गया। उसके बाद एचएस गिल का भी पता नहीं लगा। उनके परिवार को हमेशा उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, मगर वो नहीं आए। बाद के सालों में उनकी बीवी की कैंसर से मृत्यु हो गई, उनके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली और उनकी एक बेटी भी थी जिसका आज कोई सुराग नहीं। ये सारी कहानी, या यूं कहें कि 71 के युद्ध में गायब हुए इन 54 फौजियों की कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि एक वक्त कैसे ताकतवर पोजीशन में होने के बावजूद हमने अपने ही लोगों को वापस लाने की कोशिश नहीं की। और फिर 2019 में वो वक्त भी आया जब बिना मांगे ही खौफ के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन को खुद ही भारत के हवाले कर दिया। ये एक ऐसा फर्क है जो पिछले सालों में साफ नजर आया है हर एक भारतीय को। दुनिया इस फर्क को मान रही है, मगर कुछ लोग अब भी डिनायल मोड में जी रहे हैं। ये देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी कि जब कतर में इन 8 भारतीयों को फांसी मिलने की बात सामने आई तो हर कोई पानी पी पी कर भारत सरकार को गाली देने लगा, उसे कोसने लगा, उसकी गैरत को ललकारने लगा। मगर जब ये सारे भारतीय सही सलामत भारत वापस आ गए हैं तो कल तक मोदी सरकार का नाम लेकर गाली देने वाले यही लोग अब अनजान लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इतना तो तय है कि चाहे इंसान हो या देश, जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तब तक दूसरे भी ऐसा नहीं करते। एक देश के तौर पर हम आज अपने कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक मजबूत देश की तरह बिहेव कर रहे हैं, दूसरों की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं, तो दुनिया भी हमें वही इज्जत दे रही है। इसलिए कतर में जो हुआ उसे एक मामूली घटना मानकर भुला न दिया जाए। ये ऐसे बदलते भारत की आहट है जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ऐसे तमाम वीडियोस वहां पर हम आपके लिए जरूर शेयर करेंगे। बाकी जाने से पहले कॉमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने जब पहली बार वो खबर सुनी थी, जब आपको पता चला कि उन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, और अब जब आपने कुछ घंटों पहले ये खबर सुनी कि ये भारतीय सही सलामत अपने देश वापस लौट आए हैं, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, भारत माता की जय।